नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में व्यापारियों के द्वारा शिव भक्त कावड़ी की सेवा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सत प्रकाश गोयल व मीरापुर व्यापारी लाला किशन अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शुक्रवार को फाल्गुन शिवरात्रि है, जिस कारण शिव भक्त कावड़ी अपने आराध्य भगवान शिव को मनाने के लिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से निकलकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में शिव भक्त कावड़ी की सेवा के लिए स्थान स्थान पर शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं कावड़ सेवा शिविर में जलपान की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में राकेश गुप्ता, विदेश गुप्ता, विशाल तायल, विपुल अग्रवाल, आटू व अन्य व्यापारियों द्वारा मीरापुर के मेन बाजार में कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए सत प्रकाश गोयल व व्यापारी लाला किशन अग्रवाल ने कहा कि भगवान शिव कल्याण करता है। भगवान भोलेनाथ को मनाने निकले कावड़ियों की सेवा भी भोलेनाथ की ही सेवा है। ऐसे कार्य हमें आत्मिक और मानसिक बल प्रदान करके जीवन में सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। जय श्री गंगा जी की। विगत 40 वर्षों से चौराहे पर मार्केट के अंदर कावड़ शिविर लगाया जाता है। उसी भांति से इस वर्ष भी 17 फरवरी से 20 फरवरी तक ये कावड़ शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बाजार के समस्त व्यापारी, दुकानदार और कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। आने वाले कावड़ियों का स्वागत व उनकी भोजन, चाय, दूध, दवाई आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम कावड़ शिविर का पिछले वर्षों की भांति आगामी वर्षों में चलता रहे। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना पुलिस ने बीती 19 फरवरी को खतौड़ी में हुई लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक एंडीवर कार, 2 चाकू, 2 तमंचे, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1540 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद चारों बदमाशों को जेल भेज दिया। दरअसल मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब मंसूरपुर पुलिस ने राखी पब्लिक स्कूल पुलिस चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैंडीवर कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और कार में सवार 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक एंडीवर कार, 2 चाकू, 2 तमंचे, कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1540 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद चारों बदमाशों को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है इन्हीं 4 बदमाशों ने बीती 19 फरवरी को खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक बाइक सवार से लूट की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, कल शाम को थाना खतौली में 2 लड़कों के साथ एंडेवर गाड़ी में एक लूट, क्या कहते हैं, 2 लड़के जो गंग नहर पे थे उनके साथ 4 लड़कों के द्वारा जो कि एंडेवर गाड़ी में थे उनके द्वारा लूट की घटना करित की गई थी, जिसमें उनसे 1540 रुपए, 2 मोबाइल फ़ोन और उसका ATM कार्ड वगैरह लिया गया था और तमंचों के बल पर लूटी घटना की गई। तो इसमें मंसूरपुर और खतौली की टीम और CO खतौली की टीम ने लगातार वर्क करते हुए 4 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हुए उन चारों लड़कों को पकड़ा। उन्होंने जो तमंचे इस्तेमाल किए थे घटना में वो पकड़े गए। जो फोर्ड एंडेवर की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वो गाड़ी पकड़ी गई। जो लूटा गया सामान था 1540 रुपये, ATM कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन, वो 100% रिकवरी हुई है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको 4 घंटे के अंदर खोला, 100% रिकवरी की पूरी टीम ने और इसके लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। पकड़े गए बदमाश किस तरह के हैं सर? देखिए, इनका वर्तमान में कोई आपराधिक इतिहास पुराना अभी जनपद मुजफ्फरनगर में नहीं निकल के आया है। जोन में और अन्य जगहों से आपराधिक इतिहास इनका चेक कराया जा रहा है। नए लड़के हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में इन्होंने अन्य जगहों पर घटनाएं करी हैं, उस सबका वेरिफिकेशन अभी कराया जा रहा है। मेरठ के बहसुआ में कावड़ मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका उद्घाटन हुआ है। मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित महाभारत कालीन फिरोजपुर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 3 दिवसीय कावड़ मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए कावड़ियों के जत्थे मंदिर के प्रांगण में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कावड़ियों के हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे हैं। मुख्य जलाभिषेक 21 फरवरी को होगा, जिसका 20 फरवरी यानी आज क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उसके पश्चात क्षेत्रीय विधायक ने मंदिर में प्रवेश कर शिवलिंग का जलाभिषेक किया।
व पूजा अर्चना की। क्षेत्रवासियों को महापर्व शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई। क्षेत्र विधायक दिनेश खटीक ने कहा कि अब से पहले बहुत सी सरकार आई लेकिन किसी ने हिंदू धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को बहुत सख्त आदेश है कि वहां सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो और हर्षोल्लास के साथ जितने भक्त हों वह जल चढ़ाएं। हमारी हस्तनापुर विधानसभा में बड़े सौभाग्य का दिन है कि कल बहुत बड़ा महापर्व हमारा भगवान शिव का शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हमारे क्षेत्र में फिरोजपुर महादेव मंदिर है जो ये सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ भगवान दुर्वासा ऋषि जी ने बड़ी तपस्या की है। ये सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर के यहाँ पर जल चढ़ाते हैं शिवरात्रि में और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों को प्रदेशवासियों को शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर व्यवस्था के बारे में बताइए। यहाँ की व्यवस्था अति सुंदर है क्योंकि अब से पहले यहाँ पूर्व में बहुत सरकारें रही हैं लेकिन उन सरकारों का कोई आप लोगों को भी पता है कोई धर्म के प्रति कोई ध्यान नहीं था, आस्था नहीं थी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हिंदू धर्म हो के जितने भी आयोजन हैं सख्त आदेश है शासन प्रशासन के लिए कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो और हर्षोल्लास के साथ जितने भक्तों वो जल चढ़ाएं। बिजनौर के छोहिया नदी के पुल के नजदीक एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भीड़ के रूप में मौजूद रहे। अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पूरा मामला थाना शहर कोतवाली के गांव का है जहां पर छोहिया नदी के पुल के नजदीक एक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। यह चर्चा आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और भारी संख्या में लोग नदी के किनारे आकर जमा हो गए। वहीं वन विभाग की टीम को मामले की सूचना दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी निवासी एक महिला से एटीएम कार्ड बदलकर ठगों ने लाखों रुपए उड़ा दिए। उधर ठग सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के पावटी गांव का है। गांव की गुलशाना पुत्री रिजवान का चरथावल बस स्टैंड पर स्थित एटीएम से शातिर ठगों ने एटीएम बदलकर अलग अलग जगह से 2,91,000 रुपए उड़ा दिए। शातिर ठग रुड़की में पैसे निकालते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग चरथावल एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। पैसे निकालने के लिए मदद करने के नाम पर ठगों ने उनका पिन लेकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया और अलग अलग जगहों से उनके खाते से पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने चरथावल थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। अच्छा रिजवान जी बताइए कि आपके पैसे निकालने का मामला है, एटीएम बदलने का क्या है मामला पूरा? यहाँ से उन्होंने कहा क्या बात है भाई, हमारा भाई पैसे काट देते यार, कल लगा चलो फिर बाहर चलो नहीं तो कट दो। मैं कह ले यार मेरे पता लिख दी नहीं तो काट दे। उन हमारे पता ले तो वो भलक छीनने आत्मा का छीन के उन वो हमें बदल कर दे दिया, लंबर ले लिया हमारे पता भलक वो जो नकली दिया हम कुकर का जी वो नकली जो दिया तो उसमें उन लंबर लिया हमारे पर लगवाएगा का अलग लंबर भरो वो लंबर भर दिया हमने तो उन वो हमें नीप के नाम का दे दिया है और मारा उन्होंने रख दिया। तो वीडियो भी कोई आई आपके पास? वीडियो आई है रोड की से उन 48,000 रुपये कट गए। अब कुल कितने पैसे निकालने गए तुम्हारे? हमारे निकले जी 2,91,000 रुपये। अब कहाँ है आप? अब जहाँ थाने में खड़े जी वो कल वहाँ भी गए थे। कौन से थाने में खड़े? चार साल थाने में खड़े जी। क्या चाहते हैं आप भाई? यही चाहना जी वो आदमी मिल जाए और पैसे मिल जाए कोई मारे, कोशिश तो यही।
जनपद सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रेमिका के गांव के पास ही युवक का शव पड़ा मिला। गांव फतेहपुर कला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है, जिसका शव गांव बड़वाला के पास पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने ऑनर किलिंग किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने प्रेमिका व 3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला कोतवाली बेहट इलाके का है, जहां गांव फतेहपुर कला निवासी प्रीतम द्वारा इस संबंध में थाना बेहट पर सूचना दी गई कि उसके बेटे रजत की डेड बॉडी गांव बड़वाला से बरामद हुई है। वह गांव बड़वाला निवासी पप्पन में उसकी पुत्री को नामजद कराया गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पप्पन में उसके परिवार वालों ने ही उसके पुत्र की हत्या की है। फतेहपुर कला निवासी प्रीतम द्वारा इस संबंध में थाना बेहट पर सूचना दी गई है कि उनके पुत्र रजत की डेड बॉडी ग्राम बड़वाला में मिली है और बड़वाला निवासी पप्पन और उनकी पुत्री को उनके द्वारा नामजद किया गया है कि उन्हें विश्वास है कि उनके पुत्र की हत्या इन लोगों के द्वारा की गई है। इस संबंध में थाना बेहट पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जनपद सहारनपुर की नकुड पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया। सहारनपुर SSP दिनेश कुमार पी के आदेशों पर जनपद में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी के नेतृत्व में आबकारी टीम के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के गांव अज्ञाना से एक अभियुक्त मधु पत्नी अनिल निवासी अज्ञाना व एक अभियुक्त दीपक पुत्र शेर सिंह निवासी चंद्रपाल खेड़ी थाना नकुड सहारनपुर को 30 पेटी टैंगो मसालेदार देशी शराब चंडीगढ़ मार्का के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्ता मधु के अज्ञाना स्थित मकान से 30 पेटी टैंगो मसालेदार देशी शराब चंडीगढ़ मार्का पकड़ी गई है। मौके से ही अभियुक्ता मधु व अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के लुटेरों को गिरफ्तार किया है। थाना नागल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने वाले 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी के ट्रैक्टर व ट्रॉली सहित 3 अवैध तमंचे व चाकू भी बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र नागल की पूरी घटना बताई जा रही है। संबंधित मामले में सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि पकड़े गए सभी शातिर चोर ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी करने का काम किया करते थे। इनके गिरोह के कुछ सदस्य कुछ दिन पहले मुठभेड़ में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नागल पुलिस को आज यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने वाले 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध तमंचा और चाकू भी बरामद किया गया है। 5/2/2020 में रात में ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली चोरी हुआ था, जिसका निशाना थाना मंगल में लिखा गया था। जो कल भी एक बड़ी सफलता नांगल थाने को मिला है, उसी घटना से जो कुछ सूचना मिली है उसी के आधार पर SO नांगल के द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से काफी जगह पे चेकिंग और तलाशी की गई थी, जिसका फल मिला है, जिसमें 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साकिब, सुफियान, शानू, जान मोहम्मद और नूर मोहम्मद, ये 5ों तीतकी गांव थाना देवबंद के रहने वाले हैं। ये पूरा एक चोर और लुटेरों की गिरोह है। इसके अतिरिक्त इनके गिरोह के ही कुछ मुख्य लोग कुछ दिन दो परसों जो है मुठभेड़ में घायल भी हुए थे। तो इन गिरोह से चोरी की ट्रैक्टर और ट्रॉली, अवैध असला भी बरामद हुआ है। इनसे और लगातार पूछताछ किए जा रहे हैं। इनके गिरोह के और भी लोग सक्रिय हैं और इनसे जो पूछताछ के दौरान और भी तमाम घटना प्रकाश में आया है। संबंधित आसपास के जनपदों को भी हमने, जिलों को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो इनको PCR लेके भी इनसे पूछताछ करके और भी तमाम घटना को खुलासा करने की प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये घटना अंजाम दे रही है? ये लोग देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और हमारे सहारनपुर में काफी घटना का अंजाम दिए हैं। छोटे मोटे घटना कर देते हैं और ये ट्रैक्टर ट्रॉली, गन्ने से भरा हुआ ट्रक और ट्रॉली, ये भी लूटते थे। इसके अलावा डाबा, इन जगहों पे भी लूट के जो लूट और डकैती की काम करते थे। पुलिस ने जब तक जांच की, क्या कुछ पुराना बड़ा अपराधी की जांच रहा है? इनके 302 जैसे जघन्य अपराधों में इन्वॉल्व है। जैसे शानू नाम के जो व्यक्ति जो है 2014 में 302 में भी गया है, 2015 में इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगी है। इस तरह से तमाम इनके अपराधी की इतिहास। जनपद सहारनपुर में बेटा पैदा न होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
दरअसल वारदात थाना देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा की है, जहां की एक महिला शबनम को उसके पति ने खुद ही इलाज के नाम पर घर से बाहर ले जाकर कार का एक्सीडेंट दिखाया और उसकी हत्या कर दी। ऐसा आरोप लड़की के परिजनों ने मीडिया के सामने लगाया। लड़की के परिजनों की माने तो शबनम की शादी को 6 से 7 साल हो चुके हैं और उसकी 2 बेटियां भी हैं, जिसके चलते पति खुर्रम काफी समय से बेटा न पैदा होने की वजह से बेहद नाराज था और उसने इसी के चलते दूसरी शादी भी किसी और महिला से कर रखी थी और घर भी नहीं आता था और जब भी घर आता था तो शबनम के साथ मारपीट झगड़ा करता था। इसको लेकर लड़की और उसके परिजन हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन इस बार खुर्रम ने एक बड़ा प्लान बनाकर शबनम की हत्या कर दी और कार को खाई में गिराकर खुद भी अपने आप को घायल दिखाकर इलाज के लिए मेरठ रेफर करा लिया और मौके पर एक्सीडेंट में शबनम की मौत की सूचना सबको बता दी। वहीं इस पूरे मामले में जिले के पुलिस कप्तान दिनेश कुमार पी का कहना है कि परिजनों ने पति खुर्रम पर हत्या का आरोप लगाया है और पति खुर्रम ने पुलिस को एक्सीडेंट की जानकारी दी है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की सघन जांच पड़ताल कर रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना देवबंद में पठानपुर मोहल्ले के एक महिला अपने पति के साथ इलाज है तो काली नदी के उस पार गई हुई थी, तो वापस लौटते वक्त SHO देवबंद से जानकारी ली गई। वापस लौटते वक्त उस महिला का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उस महिला की डेथ हो गई थी, ऐसे उनके पति का कहना है। मगर उस महिला के परिवार वालों का ये आरोप लगाना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको दूसरी शादी करना था, इसलिए उन्होंने अपनी पति अपनी पत्नी को एक्सीडेंट दिखाते हुए उनका मर्डर कर दिया है। जांच पूरी तरह से चल रहा है, जांच के आधार पर जो भी सही है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद शामली में शरारती तत्वों ने होली से पहले ही होलिका दहन कर दिया, जिससे जिले की फिजा खराब हो सकती थी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव पटनी प्रतापपुर के मतरे अभय नगर का है, जहां गत रात्रि दूसरे समुदाय के 2 युवकों ने होली में आग लगा दी, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। मौके की चश्मदीद कामना देवी पत्नी जगदीश ने बताया कि कल रात दिलचाद में नदीम, जो कि गांव सिंगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने अभय नगर में खेती की जमीन ठेके पर ले रखी है, उसी खेत के पास होली रखी हुई थी, जिसमें दोनों युवकों ने जानबूझकर आग लगा दी। जब उसने होली जलाने का विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और दबंगता दिखाते हुए वहां से फरार हो गए। मामले का पता लगते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने मामले की सूचना झिंझाना पुलिस को दी, जिसके बाद झिंझाना थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया। इसमें ऐसा है कि थाना कोतवाली झिंझाना के अंतर्गत एक खेत जो उन्होंने अपना बटाई पर लिया हुआ था, उसमें कूड़े पड़े हुए थे, साथ ही साथ जो है जैसा कि लोगों ने बताया कि नहीं, वो होली से संबंधित जो सामग्री थी उसको उन्होंने किया, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल सूचना मिलते ही मौके पहुंची और दोनों जो लड़के थे उनको जो पुलिस के द्वारा जो है वहाँ से अपने कस्टडी में ले लिया गया है और सुसंगत के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से होली जलाई गई और दो लोगों को आरोपियों की गिरफ्तार भी किया, क्या वहाँ पे व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था तैनात की गई? इसमें ऐसा है कि चूँकि ये अकस्मात इस तरह की घटना जो संज्ञान में पुलिस में आई, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जो जो कस्टडी जिनको लिया गया है वो उनका खेत है, किसी से उन्होंने उसको बटाई के लिए लिया था, उसी में जो है जैसा कि उनका बताना है कि खरपतवार था, उसी को उन्होंने किया और उसकी सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा मौके पर उनको अपनी कस्टडी में ले लिया गया और सुसंगत मेरी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वन विभाग के लाखों रुपए की कीमत के पेड़ चोरी हो गए। मामला मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा नहर पुल पट्टी का है। गंग नहर पटरी पर वन विभाग के लाखों की कीमत के पेड़ लगे हुए हैं। मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने गंग नहर पटरी पर लगे करीब आधा दर्जन खैर के पेड़ काट लिए और किसी वाहन में चोरी कर ले गए। काटे गए खैर के पेड़ की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बुधवार की देर शाम किसी व्यक्ति ने मामले की सूचना ग्राम प्रधान कपिल चौधरी को दी। सूचना पाकर ग्राम प्रधान व भाकी तोमर के जिला महासचिव राजेंद्र चौधरी व तहसील अध्यक्ष समर सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी वन विभाग के रेंजर मनोज कुमार बलोदी को दी। रेंजर सूचना पाकर गंग नहर पटरी पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। रेंजर मनोज कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की कीमत के खैर के पेड़ काट लिए गए हैं। अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
सहारनपुर क्षेत्र के कस्बा मिर्जापुर पोल में स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मिर्जापुर थाने के थाना प्रभारी वीरेश पाल गिरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंसान का शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा वह समाज में तरक्की नहीं कर पाएगा। इस अवसर पर स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने अनेकों मनमोहक सांस्कृतिक व देशभक्ति से प्रेरित प्रोग्राम प्रस्तुत किए और वहां मौजूद दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर कक्षाओं व खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आसिफ अली मोहम्मद इरशाद, विकास कुमार, अशोक कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य शाहनवाज, फरहानाज, मोनिका व प्रधानाचार्य गौतम कुमार व मोहम्मद फारूक आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।